हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आपका यूट्यूब चैनल देसी जिम में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाए हुए हैं घर पर झाड़ू। तो कैसे बनाते हैं, किस चीज़ की झाड़ू बना रहे हैं आप लोगों को भी दिखाते हैं। मम्मी जी बांध रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इस तरह से झाड़ू बांध दिया दोनों साइडों से, ये देखिए। अब इनके ऊपर वजन देकर इनको छोड़ दिया जाएगा सूखने के लिए, फिर झाड़ू तैयार हो जाएगी। ये लगे हुए यहाँ पे बांधने, इस तरह से बांध रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ले रहे हैं। जो सूखे हुए पार्ट है वो निकाल रहे हैं, ये देखिए मोटी बहुत मोटी है, उनको भी निकाल रहे हैं। बिल्कुल बराबर करके एक साइड बनाते हैं। इस तरह का पार्ट है, इसको हटा रहे हैं, ये देखिए। इस तरह से तोड़ देते हैं बाकी जो इस तरह का पार्ट है, और जो सूखे हुए हैं इस तरह के वो भी निकाल देते हैं। बिल्कुल एक साथ करके इनको बांधा जा रहा है। सूखने के बाद थोड़ी छोटी हो जाएगी ये देखिए। लगभग ये 20 झाड़ू बन चुकी है, एक दो और बन जाएगी। इनको सुखाया जाएगा 2-4 दिन के लिए, सूखने के बाद ये झाड़ू निकालने के काम आएगी। ये क्या है? सरकंडा, सरकंडे की झाड़ू है ये। चुभती है इस तरह से दोस्तों। ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश वाला, तो मैंने कॉफ़ी बनाई है, कॉफ़ी पी रही हूँ। वैसे मैं डेली नहीं पीती हूँ। अगर आप कॉफ़ी पीने लगो तो उसकी लत लग जाती है, फिर पीनी ही पड़ती है, सर दर्द होने लगता है, तो मैंने छोड़ दिया अभी। तो कभी कभी कॉफ़ी पीने का मन करता है तो मैं पीती हूँ, आप लोग भी पी लीजिए गर्मा गर्म कॉफ़ी। और ये देखिए मनन फ़ोन देख रहा है, क्या कर रहे हो मनन, क्या कर रहे हो? लहसुन है ये, क्या कर रहे हो इसका? फोनों में क्या देख ले हो, फोनों में क्या देख ले हो? हेलो बोल दो, माम माम कर दो, सबको माम माम कर दो। क्या बात है, मूड ऑफ हो रखा है क्या आपका? अभी फोन में बिजी है तो कुछ नहीं बोलने वाला। क्या क्या पापा का फोन है वो भाई के पास? आपके पास किसका है? यही पापा का है, भाई का काम पे है। भाई का फोन कहाँ है? भाई का नाई का फोन कहाँ पे है? ये रहा मेरे पास। ये किसका फोन है? ये किसका है? ये भाई का है। इंजॉय कीजिए आप लोग भी कॉफ़ी को, ठंडे ठंडे मौसम में। आजकल 3-4 दिन से बारिश हो रही है और ठंडा ठंडा मौसम हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। संडे इंजॉय हो रहा है, एक फ़ोन के पीछे पड़े और एक फ़ोन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये फ़ोन किसी को नहीं देता है, बेचारे सब मुंह की तरफ देखते हैं इसको। पहले जब ये छोटा था इसको कोई फ़ोन नहीं देता था। मम्मी जी झाड़ू बना रही है तो मैं भी सीख रही हूँ उनसे। ये देखिए ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं, पहले इनको काट कर लाना पड़ता है, फिर घर पर बांधनी पड़ती है, और फिर दबाव देकर इनको छोड़ना पड़ता है। तो किस तरह से दबाव देंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और झाड़ू तैयार होने के बाद भी आपको दिखाएँगे। अभी ये बन चुकी है दोनों साइडों से, ये देखिए झाड़ू से ही बांध दिया है, कलाकारी। तो दोस्तों इनको काउंट करते हैं कितनी झाड़ू है मैंने टोटल। तो दोस्तों टोटल ये 24 झाड़ू है, यानी 24 झाड़ूएँ बनी है। सूखने के बाद थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, झाड़ू निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। जो बांस की झाड़ू होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, और ये बहुत अच्छी होती है।
दोस्तों सारी जाड़ुए बन चुकी है, देखिए अभी इनको अंदर रखेंगे, अभी बारिश वाला मौसम हो रहा है तो बाहर नहीं रखेंगे, और बाद में इनको बाहर रखकर दबाव दे देंगे ऊपर से, अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, फिर सूखने के बाद झाड़ू तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों खूबसूरत सा मौसम हो रहा है, बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है, शाम का टाइम है तो बाहर बैठे हुए सब लोग, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कूलर की या पंखे की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी इस मौसम को इंजॉय कर रहे होंगे, हर जगह ऐसा मौसम हो रहा होगा, बारिश भी हो रही होगी, अभी बारिश बहुत ज़्यादा वाली हो गई है तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आज मौसम थोड़ा खुला है। आगे एक साइड से इस तरह से काट देंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको काट देंगे और एक जैसी झाड़ू बना लेंगे, बराबर कर लेंगे पूरा पूरा, इस तरह से सारी झाड़ूएँ काट लेंगे, कितनी लंबी लंबी हो रही है, आप खड़े खड़े भी झाड़ू निकाल सकते हो आराम से। दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है और पशुओं को पानी पिला रही हूँ, ठंडा ठंडा मौसम है, पानी तो बहुत कम पीने वाले हैं, लेकिन फिर भी पिलाना पड़ता है, चाटा डालकर पिलाती हूँ, भैंस तो पानी पी लेगी, गाय कम पीती है, और आपको मौसम भी दिखाती हूँ किस तरह का हो रहा है, बिल्कुल गठा छा रही है, काला काले काले बादल आ रहे हैं, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, और ये देखिए संडे तो गाय के पास नहीं जाऊँगा, संडे है तो बाल भी नहीं बनाए इसने नहाने के बाद, अभी नहाया है, और आज पता है आपको 9 बजे तक सो रहा था, ये सुबह जल्दी उठने 11 बजे तक सो रहा था, 11 नहीं बजे थे उस टाइम, 9 बज रहे, इस तरह से गठा छा रखी है, ये देखिए चारों तरफ बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो गया फिर से, रात के टाइम बारिश आती है तंग करती है, सोने भी नहीं देती, तो भी बहुत कम वीडियो मेरे आ रहे हैं, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो आ रहे हैं, इसका रीज़न है बच्चों का स्कूल शुरू होना, और मेरी पूरा वीडियो का काम मनीष करता है, अभी वो बिजी हो गया, उसकी पढ़ाई के बहुत ज़्यादा काम हो गया है, तो वो एडिटिंग नहीं कर पाता है, अब मैं खुद देखती हूँ एडिटिंग करना शुरू करती हूँ, उससे सीखना शुरू करूँगा, पहले मुझे एडिटिंग करना नहीं आता है, पूरा काम वो देखता है। ये मनीष पांडे को चारा खिला रहा है, ये सोच रहा है इतने से ये भाप भी जाएगा, पूरे पूरी भूख मिट जाएगी, लेकिन इतने चारे से कुछ नहीं होता है, रोज़ यही सोचता है ये, और इतना चारा ये खिलाता है डेली को, और ये हमारा पांडा, अभी बच्ची यहाँ पे नहीं है, दूसरी साइड बंधी हुई है, वो पहला चारा अंदर रखा हुआ है। दोस्तों अभी चारा मैंने अंदर की साइड रख रखा है, उसको बाहर निकालते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है अंदर, फिर चारा ख़राब हो जाता है, तो अभी बाहर की साइड निकाल कर रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से।
बस तो अभी रात हो गई है पानी पिलाने में मुझे, तो अभी भैंस पानी पी रही, बाकी पशुओं को मैं पिला देती हूँ और दूसरी साइड भी उनको बांध देती हूँ। दोस्तों यहाँ काफ़ी नॉइस आ रहा है, पास में गोगा बेड़ी है तो वहाँ पे भजन चल रहे हैं, थोड़ी नॉइस आ रही है यहाँ पे, इग्नोर कर देना। अभी भादवे का महीना है तो यहाँ पर मेड़ी पर भजन चलते हैं सुबह शाम गोगा जी के। हो मम्मा कहाँ पे है? चंदा मामा, मम्मा नहीं ये मामा बोल रहा है। चंदा मामा कहाँ पे है? चंदा मामा माम कर दो, चंदा मामा को माम कर दो, चंदा मामा को माम तो करो, चंदा मामा को कहाँ पे है? कहाँ पे है ये देखो, अभी बादलों से चांद निकला है, तुम्हारे मनन को दिखाई दे गया है। माम नहीं करोगे चंदा मामा को? हाँ मामा तो भाई नाम माम करो मामा को, ऐसे ये खा रही है खाना, इसका डिनर टाइम हो गया है, आप भी खाना खाओगे मनन? बस तो यहाँ पाइप से पानी निकल रहा है, तो ये देखिए मनन कर रहा है मस्ती। क्या है पाई मेरे पे क्यों गिरा रहे हो? नहीं नहीं कर रहे हो क्या? ना ना खड़े हो जाओ, अभी गंदे हो रहे हो आप, कपड़े खोल दूँ? ना ना है आपको? नहीं अभी नहीं नाना, अभी नहाया है तू, ना करना है ना। चलो नहला के लाती हूँ आपको। कहाँ पे नहाओगे? यहाँ पे नहीं, ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है यहाँ पे, पूरा पानी गिर गया ठंडा। मैं ना ना पिलाती हूँ तो आपको, ना ना पिलाती हूँ आपको। चलो वहाँ पे चलते हैं, मग से नहाएंगे ठीक है, कुंटी से ठीक है। ओ यहाँ पे ठंडा पानी है, भाई को बोलो भाई नहाई नहाई भाई नहीं नहीं नहाऊंगा मैं। लो पहले मेरी उम्मा कर दो, फिर अब नहाने चलते हैं। हाँ उम्मा करो पहले, पहले उम्मा करो। नहीं करोगे? मैं नहीं नहलाऊंगी। चल चल मैं ला के लाती तेरे को। कहाँ जाना है आपको? इसके ऊपर मामा तो इसके ऊपर क्यों जाना है आपको? ये क्या है, ये क्या है मामा? ये क्या है मामा? मामा है ये क्या है ये? पापा की भूल है, आप नहीं चलाओगे? अभी आपको नाना नहीं है क्या? नाना नाना करना है, बुन पे जाना है नाना बुन बुन। चलो आपको बुन पे बिठाती हूँ ठीक है। अभी खुश हो गया है, ये देखिए नाना भी नहीं है इसको, बुन चलानी है। बाय बाय। कहाँ जा रहे हो? मैंने पशुओं को पानी पिला दिया दोस्तों, और अभी मनन के साथ मस्ती हो रही है, अंधेरा बहुत ज़्यादा तो आपको साफ से दिखाई नहीं दिया, और ये नाने की जिद करा था, और अब ये देखिए गाने चला रहा है और बुन चला रहा है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ पे जा रहे हो? ध्यान से गिर जाओगे। बाय मनन। तो मैंने नाने के बहाने से इसको बैठा तो दिया, नाना ना बड़े रात को ठंडा मौसम है, लेकिन अब ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। आओ मनन चलते अंदर, अंदर चलते हैं बेटा, आ जाओ, आ जा मनन, आ जा तो मनन, चलो अंदर चलते। क्यों ना क्यों अंदर नहीं जाना है आपको? क्यों 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 कौन था? वो देखो, देखेगा छोटी सी म्याऊं आज। कितना क्यूट सा है ना, ये देखो मनन क्या है ये, म्याऊं भाग गई। म्याऊं अभी कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं कैसे बोलती है? बोलो म्याऊं का म्याऊं।
मियाँ को दूध पिला दिया अभी। अरे टॉमी आ गया, अम्मा मियाँ कहाँ पे है टॉमी? मैं बिल्ली के पीछे पड़ गया, मुश्किल से उसको छुड़ाया, बहुत छोटा सा बच्चा था। बिल्ली और कुत्ते की दुश्मनी खास कर होती है, उसको कैसे पता चल गया मुझे नहीं पता, और ये पीछे ही चला गया, मुश्किल से उसको छुड़ाया। नहीं है बेटा, म्याओ चली गई है अभी, कहाँ ढूंढ रहा है? ये देखिए म्याम ढूंढ रहा है, कहाँ गई म्याओ? नहीं है बेटा, चली गई म्याओ, वापिस आएगी फिर से। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।